यदि आपके पीएफ अकाउंट में किसी भी तरीके का करेक्शन करवाना है तो अब ईपीएफओ ने अब रूल चेंज कर दिया है। नए प्रोसेस के हिसाब से ही अब आपको अपना करेक्शन करवाना है। देखिए, जैसे इससे पहले किसी भी तरीके का आपका करेक्शन करवाना था तो आपको कुछ इस तरीके का ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता था और ऑफलाइन तरीके से आपके पीएफ ऑफिस में जमा कर देना होता था। आपका महीने दो महीने बाद ये करेक्शन हो जाया करता था। इसका आप ऑनलाइन ट्रैक भी नहीं कर पा रहे थे कि आपका जो भी स्टेटस है वो किया है आपके ज्वाइंट डिक्लेरेशन का। लेकिन अभी तो ईपीएफओ ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। अब ये जो भी फॉर्म है ना, इसको भी क्रॉस कर दिया है। अब ये फॉर्म आपको नहीं भरना है, अब आपको नया वाला फॉर्म भरना है। देखिए, नया वाला फॉर्म कुछ इस तरीके से पूरा फिल करके देखेंगे। इसके आज के इस नए वीडियो में एक एक पॉइंट को समझेंगे कि कैसे आपको भरना है, कुछ गलती नहीं करना है। अब देखिए, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आधार चेंज करा सकते हो, नेम चेंज करा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हो, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग यानी कि डेट ऑफ एग्जिट, रीजन ऑफ लिविंग, मैरिटल स्टेटस और नेशनैलिटी। ये 11 टाइप के जो करेक्शन है अब आप इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से और ऑनलाइन ही करवा पाओगे। हालांकि ऑनलाइन किस तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर करेगा वर्क, इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अब हालांकि काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी कि सर ये जो नया ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको कैसे भरें, एक बार बताइए, तो आज के इस नए वीडियो में टोटल इसके बारे में ही बताने वाला हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी फॉर्म आपका देखने को मिल रहा है, टू पेज का, दो पेज का देखने को मिल रहा है, देखिए ये दो पेज का फॉर्म है। और ये जो भी फॉर्म है आपको बड़े आसानी से, अगर आपको लेना है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, सबसे ऊपर की साइड आ जाते हैं तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, और यहां पे जो पहली लाइन है ना, यहीं से हम भरना चालू कर देते हैं। देखिए जो पहली लाइन है इसमें आपको अपना एम्प्लॉई का नाम लिखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉई का जो भी नाम है, मान लीजिए यहाँ पे चंदन सजेस्ट हो रहा है तो मैं चंदन लिख लेता हूँ। आपके केस में जिस भी एम्प्लॉई का आपको करेक्शन करवाना है एम्प्लॉई का ही नाम लिखना है। बाद में यहाँ पे एम्प्लॉई का यूएन नंबर लिख लेना है, तो यूएन नंबर एम्प्लॉई का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4, देखिए सजेस्ट हो रहा है। देखिए ये वाला ही मैं यूएन नंबर यहाँ पे लिख लिया हूँ, इनके केस में मान लेता हूँ ये यूएन नंबर है। एग्जांपल केवल आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या फिल करना है। अब उसके बाद से देखिए ये पीएफ अकाउंट लिखा है ना, जो मेंबर आईडी होता है वो आपको लिखना है। मेंबर आईडी जो कि 22 डिजिट का होता है, जिसमें ऐसा कुछ करके लिखा हुआ रहता है, GGN करके लिखा रहता है, GGN आपका जो भी इस तरीके से लिखा हुआ रहता है ना सर्विस हिस्ट्री में, तो वहाँ से आपको आपका पीएफ नंबर मिल जाएगा, वो आपको लिख लेना है। क्योंकि ईपीएफओ के द्वारा यहाँ पे देखा जाएगा किस मेंबर आईडी में आपकी गलती है, तो वही सुधार की जाएगी। तो यहाँ पे पहले से आपको बता देना, आपको अपना आधार नंबर जो एम्प्लॉई है ना उसका आधार नंबर यहाँ पे लिख लेना है। तो मान लेता हूँ कि ये वाला जो आधार नंबर है वो एम्प्लॉई का है। बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिला है एस्टेब्लिशमेंट नेम, आपको अपने कंपनी का नाम लिखना है जो जिस भी कंपनी में गलती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेमो प्राइवेट लिमिटेड लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना है अपना। अब उसके बाद से यहाँ पे ऊपर की साइड तो ये हमने फिल कर लिया, इतना ही आपको फिल करना है। बाद में यहाँ पे 11 टाइप के करेक्शन आप कर सकते हो, इसमें से क्या गलती है उसके बारे में लिखना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इनकोरेक्ट क्या है, गलत क्या है और करेक्ट डिटेल क्या है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, वो यहाँ लिखना है इस वाले में। तो मान लीजिए कि इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कुछ गलती है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो गलती है वो यहाँ पे लिख लेंगे। मान लीजिए कि इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/1/2014 गलती से अपडेट है, लेकिन यहाँ पे इनका जो करेक्ट डिटेल है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 1/1/2014 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1/7 लिख लेंगे, तो ये करेक्ट वाला हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट वाला यहाँ पे आपको लिखना है। अब उसके बाद से लिविंग में मान लीजिए किसी की गलती है, तो लिविंग का भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए लिविंग हमने यहाँ पे डेट डाल दिया है, लिविंग का डेट इनका मान लीजिए कि 16 अपडेट है, 1/1/16 अपडेट है, लेकिन नहीं इन्होंने गलती अपडेट है, इनका जो डेट ऑफ एग्जिट होना चाहिए वो 17 में होना चाहिए, 2017 में होना चाहिए, या फिर यहाँ पे कोई मेन मंथ में कोई दिक्कत है तो वो मंथ में भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 8 तारीख को 8वें महीने में कुछ गलती है, और यहाँ पे डेट मान लीजिए कि डेट आपका 10 है, तो 10 कुछ इस तरीके से आपका करेक्ट वाला है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पे इस तरीके से आपको करेक्ट वाला डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है।
और जो भी इनकोरेक्ट है इनकोरेक्ट वाला यहाँ पे फिल कर लेना है। तो अब इनमें से क्या आपका गलती है वो आप फिल कर लीजिएगा, एक एक करके मैं सब फिल करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको फिल करना है, उसके बाद से नीचे की साइड आना है। देखिए यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर आपका एम्प्लॉय का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर एम्प्लॉयर का नाम आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर EPFO ने बहुत ही बड़ा दिमाग लगा दिया है। देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है आई, आई के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे श्याम, श्याम सिंह लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने श्याम सिंह लिख लिया, अब उसके बाद से यहाँ पे सन आप देखने को मिल रहा है। तो भैया यहीं पे EPFO ने बहुत ही बड़ा दिमाग लगाया है कि यहाँ पे जो भी अथोराइज्ड पर्सन होगा कंपनी का, उनके फादर का नाम भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि ध्यान सिंह, इनके फादर का नाम मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ लोग फर्जी करने की अगर विचार भी बना रहे होंगे तो नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्याम सिंह अगर अथॉराइज पर्सन का नाम अगर जान जाएंगे तो भैया उनके फादर नेम को कहाँ से लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फादर नेम लिखना ज़रूरी है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको फिल करना है जो भी डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे आपकी कंपनी फिल करेगी कि जो जो डॉक्यूमेंट लगा रही है कंपनी। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग करेक्शन करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे इनक्लोजिंग डॉक्यूमेंट में हमने रेजिग्नेशन लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर लिख दिया है, बाकी तीसरे में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चलिए यहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर लिख लेता हूँ। और ये जो भी लिखा हुआ रहेगा ना, ये एम्प्लॉयर के द्वारा ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी यहाँ पे डिटेल्स दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो पहला पेज है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कौन से करेक्शन के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना है, इस पर हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने केवल और केवल यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि किस तरीके से आपको फिल करना है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेकेंड वाला पेज। सेकेंड वाले पेज में आपको देखने को मिल जाएगा वी, वी में आपको एम्प्लॉय का नाम लिखना है। एम्प्लॉय का नाम क्या था वो हम ऊपर से देख लेते हैं और वो ही लिख लेते हैं। तो देखिए एम्प्लॉय का नाम हमने फिल किया था चंदन सिंह, तो ये हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। और यहाँ पे वी के बाद यहाँ पे चंदन सिंह लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉई का नाम लिखना है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको श्याम सिंह लिख लेना है। जी हाँ फ्रेंड, देखिए श्याम सिंह हमने लिख लिया है, जो अथोराइज्ड पर्सन, जो कंपनी का अथोराइज पर्सन है उनका यहाँ पे नाम आएगा। अब उसके बाद से अथोराइज के सिग्नेचर यहाँ पे करने होंगे और आपका सिग्नेचर जो मेंबर है उनका सिग्नेचर होगा, स्टैंप यहाँ पे अथोराइज पर्सन लगाएगा और उसके बाद ही ये आप इसको यूज कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको तीन पैराग्राफ देखने को मिल रहे हैं जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, भैया उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है और जो पहला है वो ये वाला है देखने को मिल रहा है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो। तो देखिए जो पहला पैराग्राफ है आई चंदन सिंह, तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि मैं चंदन सिंह का जो भी यूएन नंबर है वो ये है, पीएफ अकाउंट नंबर है वो ये है और आधार नंबर ये है। इस्टेब्लिशमेंट नेम जो कि कंपनी का नाम है आपको, आपका डेमो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास है। और EPFO को पहले दिए गए पर्सनल डिटेल्स में इनकरेक्ट पाए गए हैं, मतलब इनकरेक्ट या ब्लैंक दोनों ही पाए गए हैं। ब्लैंक उनके केस में कि मान लीजिए फादर नेम किसी का अपडेट ही नहीं है या फिर कोई और डिटेल अपडेट होना चाहिए वो नहीं अपडेट है, तो उसके केस में बताया जा रहा है कि या तो गलत अपडेट है या फिर इनकर ब्लैंक है। और इसलिए मेंबर प्रोफाइल में करेक्शन अपडेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है। मेंबर का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से, मेंबर का प्रोफाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 11 जो डिजिट दिए हुए ना, 11 नंबर सीरियल नंबर, वो इसके बारे में बात की जा रही है। अब इसमें से जो भी आपने बताया है कि भैया ये दिया गया है वो इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ऐसा होना चाहिए, तो ये है इसके हिसाब से आप EPFO को करना है, तो आप बता रहे हो। बाद में यहाँ पे जो कंपनी के अथोराइज पर्सन है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं श्याम सिंह, सन ऑफ ध्यान सिंह, इस्टेब्लिशमेंट का अथोराइज हस्ताक्षर करता, रिक्वेस्ट अटैच डॉक्यूमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के रिकॉर्ड को वेरीफाई कर चुका हूं और प्रमाणित करता हूं कि ऊपर मेंशन तथ्य सही है। मैं ऊपर मेंशन कर्मचारी के रिक्वेस्ट के समर्थन में रिजाइग्नेशन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और अटेंडेंस रजिस्टर अटैच कर रहा हूं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के डॉक्यूमेंट है। अब उसके बाद से आपको बताया जा रहा है जो कि यहाँ पे जो थर्ड वाला है, बिल्कुल लास्ट वाला, सेकेंड फेज के फर्स्ट वाला, यहाँ पर आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि हम चंदन सिंह यानी कि जो एम्प्लॉई है वो और श्याम सिंह जो अथोराइज हस्ताक्षर करता है वो इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि
यानी डिक्लेयर करते हैं कि हमने कोई तथ्य छिपाया नहीं है और उपयुक्त तथ्य सही है। हम यह भी क्षतिपूर्ति करते हैं कि उपरोक्त दी गई जानकारी के कारण गलत भुगतान, अधिक भुगतान, कम भुगतान के मामले में संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो और यहाँ पे आपका साइन सिग्नेचर हो गया है, बाकी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उस पे आपके स्टैंप लगे हुए हैं आपके हस्ताक्षरकर्ता के, जो अथॉराइज पर्सन है, उसके बाद से इसको आप सबमिट कर सकते हो इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को, आपका जो भी करेक्शन है वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ये जो नया वाला डिक्लेरेशन फॉर्म है वो किस तरीके से आपको फिल करना है। अब आप समझ पाए हो और किसी दूसरे की भी हेल्प करना चाहते हो तो आप फटाफट अपने दोस्त मित्रों के साथ भी इस वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करके उनकी सहायता कर सकते हो। और क्या जानना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद जय भारत, वंदे मातरम।